बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, नायलास होम कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी मेरी आई हुई थी बहनें, छोटी बहनें आई हुई थी, उनको करनी थी कुछ शॉपिंग। छोटी बहन की नंद की बेटी की शादी थी, तो वो फिर मेरे पास आई थी और उससे बड़ी बहन, दोनों आई हुई थी, साथ उनकी तीनों बेटियां थी। तो वो उनको मैंने करानी थी शॉपिंग। हमने जाना था हुसैनागाई से करनी थी शॉपिंग। तो बस उसके लिए फिर यही था कि सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी हमने नाश्ता वगैरह किया और साथ में सालन भी बना लिया था। मैंने कहा चलो सारे काम करके जाते हैं, वापसी पर बस ये हुआ कि रोटी डालेंगे और खाना खा लेंगे। जाहिर है हुसैनागाई जाए, और फिर तो निकलते निकलते भी हमें 11 बज गए थे घर से, तो फिर शाम को ही हमने फिर वापस आना था। तो बस ये सारे मैंने काम अपने कर लिए थे। तो बस शॉपिंग तो खैर करने जाना ही जाना था। शॉपिंग करने के लिए जब हम घर से निकले तो हमारे साथ तो इतना बड़ा हो गया हादसा। तो ये तो वो वाला हाल हुआ था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। हमारे साथ तो ये हाल हुआ कि घर से निकलते ही डाकू पड़ गए। हमारे साथ जो है ना ये हुआ ये था कि बस हम लोग तकरीबन 11 बजे, संडे का दिन था, 11 बजे हम घर से निकले हैं और अपने घर से निकल के थोड़ी दूर चले ही होंगे और साथ ही जो है ना गली थी वहाँ से निकल के हमने कहा चले हम रिक्शा ले लेंगे तो फिर चले जाएंगे हुसैना के। जैसे ही हम गली में एंटर हुए हैं ना, तो मैं और मेरी भांजी छोटी उसकी बेटी जो थी ना, वो हम दोनों आगे आगे जा रहे थे। मेरे पीछे दोनों बहनें थी और उसकी दोनों बेटियां थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो एक ही दम ना गली में से ना बाइक वाला एक आया और आके जो है ना वो उसने भांजी को पकड़ा और उसके जो है ना सर पे पिस्टल रख दिया। हम लोगों की तो यकीन माने जान ही निकल गई। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये एकदम हुआ क्या हमारे साथ। तो जो है ना अब वो मुझे कह रहा है कि अब चुप करके जो है ना अपना सारा सामान, ये पर्स वगैरह जो भी है मेरे हवाले कर दो। और भांजी को उसने पकड़ा हुआ था। अब मैं सोचूं कि भी बहन आई है शॉपिंग करने, अब पर्स में उसके पैसे भी हैं। ज़ाहिर है बंदा शॉपिंग करने आया है तो पैसे तो हैं ना, पर्स मेरे पास भी था, दूसरी बहन के पास भी था, हमारे मोबाइल थे, पर्स में पैसे थे, चीज़ें थी, सारा कुछ था। अब इतनी परेशानी हुई कि करूँ तो क्या करूँ। अब मैं जिस साइड पे जा रही थी वहाँ पे मेरे हमसायों का गेट था, तो मुझे और तो कुछ सूझा नहीं। मैंने एकदम ना ज़ोर ज़ोर से गेट बजाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने गेट बजाया और शोर मचाया ना कि चोर चोर डाकू डाकू, तो बहनों ने भी शोर पीछे से, वो क्योंकि मेरे से काफ़ी पीछे थी तो वो फिर पीछे की तरफ ना भाग ली, तो उन्होंने भी जो शोर मचाया, तो ज़ाहिर संडे का दिन था तो एकदम जो है ना उनके दरवाज़े लोगों ने खोल दिए कि क्या मसला, नहीं क्या मसला हुआ है। तो जो ड्राइवर वगैरह बैठे थे गैराज में, तो वो उन्होंने जब बाहर निकल के देखा है तो के पूछा कि क्या हुआ है, तो जब उसने देखा कि सारों ने दरवाज़े खोल दिए तो भांजी को उसने धक्का दे के और वो तो बाइक स्टार्ट करके और जो है ना निकल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, भांजी का नहीं नुकसान हुआ या हमारा नहीं नुकसान हुआ, लेकिन यह है कि हम डर इतने गए थे ना, इतने डर गए थे ना, तो मैं तो इतनी परेशान हो गई थी। और मैं बहनों से यही कह रही थी कि कराची में तो टीवी में तो देखते हैं कि कराची में इस तरह दिन दहाड़े बंदा गली में लूट जाता है, अब तो मुल्तान में यह हाल हो गया कि हम अपने घर के पास ही अभी खड़े हैं और एकदम ही देखे बाइक वाला आया और आके उसने गन निकाल के हमें जो है ना बोला कि सारा कुछ जो है ना अपना मेरे हवाले कर दो। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, भांजी का तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल। वापस फिर हम घर आए हैं, थोड़ा सा हमने जो है ना पानी शानी पिया, भांजी को मैंने चुप कराया जाके। तो उसके बाद बस फिर यही था कि फिर हमने ऑनलाइन रिक्शा मंगाया और फिर हम जो है ना 2-3 घंटे बाद फिर गए, क्योंकि उन्होंने वापस भी जाना था, शॉपिंग भी करनी थी, दिल भी नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन अब करना तो था ना काम। तो बस फिर निकल गए थे हम बाज़ार, उनको मैंने शॉपिंग वगैरह कराई है। तो यकीन माने जो भी रिक्शा जो भी बाइक वाला गुजरता था ऐसे लगता था जैसे यही डाकू है। इतना ज़्यादा दिल में खौफ बैठ गया था ना कि बस अब तो यकीन माने मेरा तो बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता कि बंदा क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। बस ये मैंने बहन को शॉपिंग वगैरह कराई, उसने बच्चों की अपनी ये चीज़ें ली थी, कपड़े शपड़े लिए थे, जो ये लहंगे वगैरह बच्चियों की मेहंदी के लिए थे। और ये हुसैनागाई से हमें बड़े रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। इतने आपको पता तो है हुसैनागाई में हर चीज़ ज़रा अच्छी कम प्राइस में और अच्छी मिल जाती है, अगर ढूंढें तो थोड़ा फिरना पड़ता है तो चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो बस ये इनके कपड़े शपड़े ये अपने दिखा रहे थे एक दूसरे को, देखें जी ये वाला लिया है तो ये वाला लिया है, तो ये बहन का था माशाल्लाह, ये भी बड़ा अच्छा मिल गया था। लेकिन इतनी परेशानी में शॉपिंग की है ना इस दफ़ा, तो बस मैं दिल नहीं कर रहा था बाज़ार जाने को, बस ऐसा कोई जहन पे खौफ सवार हुआ ना कि अजीब ही बस कोई परेशानी आई है ना कि मैं कह रही हूँ कि बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे सबको और उस मुल्तान को भी। और ना कभी मुल्तान में ऐसा नहीं सोचा था, हालांकि 20-25 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए इसी कॉलोनी में, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो फर्स्ट टाइम भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। वरना तो कभी रात को भी बाज़ार हम जा रहे होते थे, रिक्शा सड़क से लेते थे जाके, कोई मसला नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब तो यकीन माने घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है।
बस ये कुछ हमारे साथ हुआ है, और इसी जो है ना खौफ में हमने शॉपिंग वगैरह भी कर लिया है। कुछ हमने गदेजी मार्केट से करी थी, कुछ उससे ना गई से कपड़े सारे वहाँ से ले लिए थे, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो गदेजी मार्केट से ले ली थी। तो ये सारी उनकी मैंने शॉपिंग कंप्लीट करा दी थी, और शुक्र अल्लाह का किया था कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ या भांजी को कुछ नहीं हुआ। तो बंदा को ज़्यादा जवाबदेह होता है कि मेरे घर आई हूँ तो मुझे तो ज़्यादा ये टेंशन थी कि जो है ना बस क्या करूँ मैं। यकीन माने अभी तक इतने दिन हो गए लेकिन मेरे जहन से ना वो वाक़ नहीं निकल रहा, अभी भी मैं खौफज़दा हो जाती हूँ बाहर जाते हुए ना। अब तो बस बेटे को कहती हूँ कि नहीं भाई अहमद लेके जाओ और लेकर ही मुझे तो वापस आओ, मैं तो नहीं निकलती अब घर से बाहर। तो बस शाम के टाइम नेक्स्ट उसी अगले दिन जब मार्केट गए थे, वहाँ से वापसी में मैंने चाय वगैरह बना ली थी क्योंकि ज़्यादा थक गए थे फिर के, तो चाय बनाई और साथ में जो है ना बहन मेरे लाई थी पेड़े के रोड से, तो बस वो पेड़े मुझे पसंद है वहाँ के, तो वो जब भी आती है तो फिर मेरे लिए वहाँ के पेड़े लाजमी लाती है। तो बस ये पेड़े शेड़े हमने खाए, चाय पी, अपनी थकन उतारी, और अभी भी हम बैठे सिर्फ चोर के मुताली की बातें कर रहे थे कि अगर कुछ हो जाता है या कुछ छीन जाता है तो क्या होता है। वो तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा इस टाइम बैठे हम रो रहे होते अपने चीज़ों को और तुम्हारी शॉपिंग को कि ना शॉपिंग हुई है और नुकसान अलहदा हो गया। लेकिन शुक्र अलहम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ुबान में रखा हमें भी और उसकी बेटी को भी। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग क्या, बस एक वाकया जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप भी जब ज़रा बाहर निकलें तो एहतियात करें, मुल्तान में आजकल कोई हालात नहीं है बाहर निकलने के, तो जो भी है एहतियात के साथ बाहर निकलें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मैं चाहती हूँ इजाज़त अल्लाह।